संगठन विस्तार कार्यक्रम में विधायकों पर बरसे उदयराज यादव। सड़कों से लेकर शिक्षा चिकित्सा के विकास की गति हुई धीमी। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व सांसद अनु टंडन हुई शपथ ग्रहण में शामिल। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव भी रहे मौजूद। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने संगठन विस्तार का कार्यक्रम एक विद्यालय में आयोजित किया, जहां कई युवा समाजवादियों को पद ग्रहण कराया और साथ ही पूर्व विधायक उदयराज यादव और पूर्व सांसद अनु टंडन ने 150 से ज्यादा पत्रकारों को डायरी पेन देकर सम्मानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मौजूदा विधायक पर कुछ बातों को लेकर पूर्व विधायक उदयराज यादव बरस पड़े। कहा, जागरण या बेटी की शादी में 20-20 हजार देने वाले आज लूटने का काम कर रहे हैं। अगर देंगे तो पैसा ले लो, लेकिन वचन नहीं पढ़ाना। समाजवाद की सोच है, अखिलेश यादव की जनसंघ की सोच। मैं इस बात को बहुत हल्के में थोड़े शब्दों में बता रही हूँ, लेकिन एक बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि मैं ये बात क्यों इतनी अहमियत क्यों दे रही हूँ। मैं अनु टंडन आपके बीच में इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं दूसरी पार्टी में काम करती हूँ, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हर जना जानता है कि मैं राजनीति कम करती हूँ, मैं समाज सेवा ज्यादा करती हूँ, मैं राजनीति का इस्तेमाल करती हूँ आपकी समाज की सेवा करने के लिए। और समाज की सेवा करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में ये दिया गया है कि हम अगर राजनीति में हो तो खाली एक लड़की की शादी में मदद नहीं कर सकते, हो सकता है एक दो हम भी लगवा दें, लेकिन अगर खाली समाज सेवा करेंगे तो लड़की की शादी में ही निपट जाएंगे, हम नहीं लगवा पाएंगे। तो पुल और ये सब की बातें करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए राजनीति जरूरी है, और जब राजनीति जरूरी है पार्टी कार्यालय में थी तो वहाँ आपने कहा था कि 6 विधानसभा जिताने की बात कही थी, क्या आपकी पॉलिसी रहेगी 6 विधानसभा उन्नाव की जिताने की? ऐसा है कि पॉलिसी अगर आप ही को बता देंगे तो हमारे दूसरे विरोधियों को नहीं पता चल जाएगा। पॉलिसी वही है कि 6 विधानसभा जीत के आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि 6 विधानसभा हम लोग कैसे मिलके जीतते हैं, सिर्फ एकता के साथ जीतेंगे और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जीते, इससे थोड़ी बहुत पता चलती है। लेकिन हम जैसे लोगों को बात करके, जो वहाँ पर किसान भाई हैं उनसे बात करके डायरेक्टली पता चल रही है कि किस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं। तो मीडिया का दायित्व ये भी बनता है, और हम आपको नहीं कुछ कहते, ये तो आप देख ही रहे हैं कि देश में क्या हाल है और मीडिया को किस तरीके से उन्होंने घेर रखा है। तो वो बातें नहीं बता रहे हैं जो जनता को मालूम पड़नी चाहिए। कुछ बातें बताने की कोशिश की मैंने, लेकिन ये विस्तार से बताने की और पहुँचाने का काम एक तरीके से मीडिया का है, इसलिए